नहीं, दोनों की टक्कर तो है। भाजपा पूरा प्रयास किया है कि ध्रुवीकरण करने का, आज भी वो उसी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जो जाति समीकरण है उसके आधार पर विपक्ष भी अपनी भूमिका मजबूत किए हुए हैं। देखिए, यहाँ बनारस में शुरू से काफ़ी दिनों से भाजपा का बोलबाला रहा है, हमेशा कई चुनावों में भाजपा ही प्रभावी रही, तो आज भी भाजपा प्रभावी है, लेकिन उसकी टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उसको तय कर रही है कि किसको हम वोट दें जो भाजपा के खिलाफ जाए। भाजपा की यह सरकार ध्रुवीकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है, अपने कार्यों पर की चर्चा कम करती है, और कार्यों पर चर्चा तभी करती है जब सारे उनके लक्ष्य दूर हो जाते हैं, तब वो कार्यों पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो असंतोष भाजपा सरकार के कार्यों में जो असंतोष है, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब, उसका प्रभाव ज़्यादा है, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को लाभ मिला है। पार्टियों का अस्तित्व तो अपना है ही है, लेकिन जो जाति संकरण है उस संकरण में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, मतलब जातीयता उनका लाभ मिला, हाँ उनका लाभ मिला, और लोगों में यह लगता है कि भाजपा को हराने में यही कारगर होगा, इसलिए उस पर उसका बल ज़्यादा मिल रहा है। मंजूर अहमद अंसारी सिंह जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस क्या करेगी, हट यहां से, हां पकड़ो भाई, ये सब पकड़ो, पकड़ो हमराडा, पकड़ो जो रुक दे भाई, थे बाबू भाग नहीं समझ रहा है, मैं बोलिए दादा, दादा पूछिए पूछिए, आप बताइए, बोला है अरे मंजूर, अरे बाबा एक मिनट ठहर जाइए, आप बात मत कीजिए, आप जरा हमें बताइए, ये चुनाव आ रहे हैं, अलग अलग राजनेता बड़े बड़े वादा करते हैं, जी हाँ, आपका क्या आशा है ये चुनाव में क्या होने वाले हैं? भाई भाई चुनाव में आने वाले हैं तो हमारे जो कष्ट, मैं कष्ट को कह रहा हूँ, जो कष्ट हमको है, मैं कष्ट को कह रहा हूँ कि तबीयत खराब है, और मिट्टी का तेल जो मिल रहा था वो बंद है, सरकार ने बंद कर दिया, जो गरीब आदमी है उसी का सहारा है, सिलेंडर नहीं है, कैसे जीवित करेंगे, कैसे पालन करेंगे, और मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, केंद्र में जो है कि व्यवस्थाएं का होना चाहिए, हम ट्रेल मास्टर हैं, सिलाई करते हैं, गरीब आदमी हैं, एक मशीन का सहारा है, किसी तरह बच्चों को मैं पालन करता हूँ। भाजपा की सरकार में सबसे बड़ी बात है कि वो भय भी पैदा करते हैं और धर्म भी करते हैं, तो जो आप अभी बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि अधिकांश लोगों ने कहा कि हम कमल पर दबाएंगे, तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जो ये देखते हैं कि कहीं मेरे खिलाफ न कोई बात हो जाए, इसलिए मैं कमल पर ही मुहर मारूँगा, भले उनके मन में इच्छा ना हो, 10 में हो सकता है 6 लोग कमल पर हो, लेकिन 4 लोग जो चाहते हैं विपक्ष में कहना, वो भी कमल को ही कह देते हैं। देखिए, इन सारे मुद्दों को ये भाजपा की सरकार ने धर्म पे ला के देख दिया, वो सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि वो मुद्दे नहीं हैं, लेकिन उससे वो ज़्यादा लाभ नहीं पाते हैं, वो धर्म को ही ज़्यादा करना चाहते हैं हर जगह, यहाँ भी हमेशा चाहते हैं कि किसी भी तरह से पोलराइजेशन हो जाए। एक लड़का हमारा ख़त्म हो गया, कोई साथी नहीं भया, ठीक है, आज भी मैं घात लगाते हैं, जवान बेटवा माइक डांग दिन का, कोई गांव प्रधान न साथी में, कोई नहीं साथी, भगवान साथी है, किसका कहे कि हमारा है, किसका कहे,
कोई पता नहीं लाग। क्या बीमार हो गए थे? नहीं, हैदराबाद में काम करते रहे, संजय कहे कहीं ना मखाना बनाइए, इसी सिलेन पे घास लगावे, अब तन कहे भैया सब्जी छौके हैं। क्या गायब हो गया क्या? बस लड़का हमार वही खानो नहीं खाई, से हम कहन के जौन है कहूँ बैठ रही है साहब, हमारा लड़का खेत में टांग दिन गवा। लेकिन क्या करें हम लोग, हम तो खुद ही परेशान सबसे हैं, हम भगवान के भरोसे चलते हैं दादा, किसी भरोसा नहीं। एक ही लड़का था? लड़का एक हमारे पेड़ पर से गिर गया भैया, लंगड़ा रहा, वो दुकान उकान गए के काम चलाता है, आदमी हमारे एकदम बीमार रहते हैं, हमें फालिश गिर गया रहा, चले नहीं पावत। हम कुछ से दादा रोई, जो राम करे वही हो, तो महन पंच के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, बाकी की के भरोसे चले। इतना असंतोष जो है ना, उसका प्रभाव ज़्यादा है। अब ये नहीं समझते कि सत्ता परिवर्तित होगी तो जो मेरे लिए कुछ लाभ होगा, वो ज़्यादा चिंतित नहीं है, चिंतित ये है कि ये खराब है, महंगाई बढ़ी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी है, और जाति संकरण उनके पक्ष में, इसलिए उनको वोट देते हैं।